तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार मेरे चैनल पे जिसका नाम है कलाकार कलराज। और आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं बियर्डो का द डर्टी चारकोल कॉम्बो पैक, जो कि मैंने पहले भी यूज किया हुआ है, पर आज मैं उसका अनबॉक्सिंग और रिव्यू करने वाला हूँ। और अभी अभी दोस्तों मैं हेयर और बियर्ड की ट्रिमिंग करके आया हूँ, जिससे कि मेरा फेस और भी अच्छा लगेगा। अभी सुबह के 11:30 बजे है और ये देखिए दोस्तों, मेरा एक दोस्त यशराज फड़के अभी भी सोया हुआ है और ये दूसरा दोस्त अथर्व जो कि मोबाइल खेल रहा है और ये मेरा बेड। तो चलिए अभी हम अनबॉक्सिंग करते हैं। ये देखिए इसके आउटर कवरिंग, तो देखिए गाइस, इस डर्टी चारकोल कॉम्बो पैक में हमें एक फेस वॉश मिलता है जो कि चारकोल फेस वॉश है। एक चारकोल पील ऑफ मास्क, एक चारकोल फेस स्क्रब और एक चारकोल बॉडी वॉश। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं अपने फेस को स्क्रब कर लेता हूँ इस चारकोल फेस स्क्रब से। मेरा चारकोल फेस स्क्रब ही मैं क्यों यूज करता है, इसका रीजन ऐसा है, चारकोल जो होता है वो चेहरे के जो इम्प्योरिटीज होते हैं उसको बहुत अच्छे से सोख लेता है। सबसे अच्छा कोई चीज होगी चेहरे की इम्प्योरिटीज दूर करने के लिए तो होती है चारकोल, इसलिए मैंने ये चारकोल फेस स्क्रब लिया है। तो चलिए अब हम इसे यूज करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हमें मुंह के ऊपर थोड़ा सा पानी लगा लेना चाहिए और मुंह धो देना चाहिए। मुंह पोछ लेने के बाद हमें फिर धीरे धीरे थोड़ा स्क्रब लगाना। और स्क्रब की बात ऐसी है दोस्तों कि स्क्रब लगा के रखना नहीं चाहिए, लगाना चाहिए और बस हाथ के मूवमेंट्स के साथ धो लेना चाहिए, ज्यादा देर रखना नहीं चाहिए। और अपनी जो उंगलियां है, उंगलियों की सर्कुलर मूवमेंट्स के साथ ऐसे लगाना चाहिए। तो जैसे कि देख सकते हो आप दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, फेस काफी क्लीन लग रहा होगा। ये बस चारकोल फेस स्क्रब का जादू है, क्योंकि अपनी मर्दों की स्किन, मेंस की स्किन काफी रफ और टफ होती है, इसलिए हमें अच्छे प्रोडक्ट्स यूज करना चाहिए। नॉर्मल प्रोडक्ट्स यूज किए तो उसका इफेक्ट इतना दिखता नहीं, पर क्योंकि बियर्डो ये बहुत अच्छी कंपनी है, मैंने बहुत बार यूज किया है तो इसके रिजल्ट काफी अच्छे हैं। हम मेंस के लिए ऐसी अच्छे प्रोडक्ट्स ही लेना चाहिए। नॉर्मल प्रोडक्ट्स लेने के बाद अपनी स्किन, उसके साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा होते हैं, पर इसके इफेक्ट्स काफी अच्छे हैं। तो अभी जैसे कि आपने देखा है, मैंने अभी स्क्रब किया है, तो अभी हम पील ऑफ मास्क लगाएंगे। तो अभी मैंने दोस्तों स्विगी से खाना ऑर्डर किया था जो कि शायद आ चुका है, वो मैं लेने जा रहा हूँ। तो अभी अभी दोस्तों मैंने स्विगी से ऑर्डर किया हुआ खाना आ चुका है, तो पहले मैं खाना खा लेता हूँ, बाद में पील ऑफ मास्क लगाएंगे। वेज मराठा। जब हम अकेले रहते हैं दोस्तों तो हमें बांडे भी घिसना पड़ता है। देखिए घिसना नहीं, घिसना पड़ते। अरे वो ही रे मेरे भाई। ओ ओ जान जाना, ढूंढे तुझे दीवाना। अभी गाइस रात के 10:30 बज रहे हैं और मुझे बहुत एसिडिटी हो रही थी, इसलिए मैं अभी सोडा लेने बाहर निकला और मुझे 1 किलोमीटर दूर जाना पड़ा। 1 किलोमीटर मतलब क्या, कुछ दुकान ही खुले नहीं रहते। देखिए पुणे में सब बंद हो चुका है, अभी सिर्फ रात के 10:30 बजे और सब बंद हो चुका है। तो मैं दोस्तों घर आ चुका हूँ, तो चलिए जल्दी से पील ऑफ मास्क मैं लगा लेता हूँ।
अब हम इसे सूखने के लिए 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो मिलते हैं 10-15 मिनट के बाद। तो चलिए दोस्तों, अब हम इसे निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम कॉर्नर से इसे निकालने की कोशिश करेंगे। इसे निकालने के बाद एक बार फेस को धो भी ले। तो जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं, फेस काफी क्लीन हो चुका है। मतलब आपकी जो चेहरे पे इम्प्योरिटीज बचती है दिन भर के आप घूमने फिरने से, वो निकल जाती है, और उसकी वजह से 3 दिन तक चेहरा आपका बहुत अच्छा क्लियर लगता है। तो ये चारकोल पील ऑफ मास्क ही मैं क्यों यूज करता हूँ, क्योंकि ये चारकोल पील ऑफ मास्क जो होता है, ये चारकोल जो होता है इसमें का, वो जो होता है अपनी इम्प्योरिटीज को पूरे निकाल लेता है। और मर्दों की जो स्किन होती है, अपनी मेंस की स्किन, वो काफ़ी टफ होती है वो नॉर्मल प्रोडक्ट से, क्योंकि जो बाजारू प्रोडक्ट्स होते हैं उससे नहीं क्लीन हो सकती। उसके लिए अपने को अच्छी क्वालिटी की ही प्रोडक्ट्स यूज करना चाहिए। इसलिए मैं रिकमेंड करता हूँ, या फिर मेरे जो यूजेस किए हैं उसके ऊपर से मुझे तो ऐसा लगता है कि मेंस ने बियर्डो के ही प्रोडक्ट्स यूज करने चाहिए। तो मैं लिंक नीचे दे दूंगा बियर्डो, इस मैंने जो कि बाय किया है, मतलब डर्टी चारकोल कॉम्बो पैक, उसकी मैं लिंक नीचे दे दूंगा, आप उससे बाय कर सकते हैं। ये दूसरे दिन सुबह की बात है जब मैं मिसल पाव खाने गया था, जो कि पुणे की बेस्ट मिसल पाव है, विजय श्रीफ मिसल पाव। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार मेरे चैनल पे, जिसका नाम है कलाकार कलराज। और अभी बज रहे हैं 2:05, और अभी हम जाने वाले हैं दगुशेठ हलवाई के मंदिर में, इसलिए मैंने अभी इतने देर से व्लॉग शुरू किया। तो चलिए मैं आपको मिलता हूँ नहाने के बाद। तो अभी मैं दोस्तों दगुशेठ हलवाई के मंदिर में आया था, जहाँ की मोबाइल अलाउड नहीं है, पर जितना मेरे से हुआ उतनी मैंने कोशिश की वीडियो शूट निकालने की, तो उसके वीडियोस आप देख लीजिए। तो दोस्तों अभी हम घर जा रहे हैं। पुणे में इतनी बारिश हो रही है, अगर इतनी बारिश विदर्भ में हुई तो 5 साल तक विदर्भ सूखा नहीं पड़ेगा, इतनी बारिश हो रही है। मतलब कलेक्टर ने हाई अलर्ट भी जारी कर दिया है, इतनी बारिश हो रही है। बाप रे बाप, तो एक पुल तो डूबला पण वो वहां का पुल तो डूब भी गया। Thank you.
चलिए गाइस आज का व्लॉग यहीं पे खत्म करता हूँ। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज लाइक और शेयर कीजिए, कुछ बताना हो तो प्लीज कमेंट कीजिए, और मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब तक के लिए सुनो तो अपने दिल की एंड बी ऑलवेज हैप्पी।